इधर कांग्रेस की संसद में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को झटका लगा, क्योंकि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की जो बैठक बुलाई उसमें कई पार्टियां शामिल नहीं हुई, जिनमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसके अलावा केसीआर की पार्टी बीआरएस, आरएलडी और जेडीएस ने बैठक से दूरी बनाई। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे की संसद में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में 23 पार्टियों को न्योता दिया था, जिनमें केवल 16 के नेता ही बैठक में आए, बाकी नदारद रहे, जिनमें वो नेता शामिल हैं जो तीसरा मोर्चा बनाने की जोड़ तोड़ में लगे हैं और तेलंगाना के खम्मम में एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। हालांकि कांग्रेस को अब भी विपक्ष के एकजुट होने की उम्मीद है। करते हैं कि जो देश को बचाना चाहते हैं वो विपक्ष जरूर आएगा, जरूर आएगा। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब संसद, कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों ने उससे दूरी बनाए रखी और फिलहाल वो कम होती नजर नहीं आ रही। और अगर 2024 तक यही हाल रहा तो केंद्र में बीजेपी की तीसरी जीत की जमीन तैयार हो सकती है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता फवाद चौधरी के बाद इमरान खान के एक और करीबी शेख रशीद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शेख रशीद आवामी मुस्लिम लीग के मुखिया हैं। शेख रशीद को इमरान खान का बेहद खास बताया जाता है और इसी वजह से इस्लामाबाद में हुई शेख रशीद की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही लाहौर पहुंची वहां बवाल खड़ा हो गया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सैकड़ों कार्यकर्ता जवान पार्क इलाके में मौजूद इमरान के घर के बाहर जमा हो गए। शेख रशीद की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस बीच इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए शेख रशीद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की। ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियां लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है। हालांकि पुलिस ने इमरान के करीबी शेख रशीद के आरोपों से इनकार कर दिया और दावा किया कि शेख रशीद को उनके घर से नहीं बल्कि इस्लामाबाद के एक एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया उन्होंने शराब पी रखी थी और पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से गिरफ्तारी के वक्त वो पुलिस वालों से भिड़ गए। इसके बाद शेख रशीद को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहां से आए एक वीडियो में उनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी वो सिगार का धुआं उड़ाते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार पर निशाना भी साधा। इनकी वो गरीब लोग ठुकाई करेंगे कि इनको पाकिस्तान से भागने की फुर्सत नहीं मिली। शेख रशीद ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इससे पहले इमरान के करीबी फवाद चौधरी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि एक रोज पहले ही उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आसिफ अली जरदारी पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इमरान खान के मुताबिक जरदारी दो बार अपने प्लान में नाकाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जरदारी ने उन्हें मारने के लिए आतंकवादियों को मोहरा बनाया। इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं की आड़ लेकर जरदारी एक बार फिर उनकी हत्या की साजिश रचने में जुटे हैं। अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है तो जी दहशतगर्द का खुदकुश हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। इसके साथ ही इमरान खान ने जरदारी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जरदारी और उनके जैसे नेताओं की वजह से ही पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा से उनके रिश्ते खराब हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बाजवा की उस अपील को नहीं माना था जिसमें विपक्ष के नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म करने की बात कही गई थी। इधर पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी की याचिका खारिज कर दी, जिससे इमरान खान को बड़ा झटका लगा। इमरान खान की पार्टी ने अवैध फंडिंग मामले से जुड़े पाकिस्तान चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अगस्त 2022 में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को विदेशों से अवैध तरीके से पैसा जुटाने के मामले में नोटिस जारी किया था। बाद में चुनाव आयोग की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि पीटीआई को विदेशों से अवैध फंडिंग हुई थी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंटरस्टेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।